बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम एजाज अली रोमी है और ये मेरे साथ अख्तर अली रोमी है। हमने ये वॉक रखा है अमन के खातिर। हमने ये वॉक शुरू किया है चाइना बॉर्डर पंजराब बॉर्डर से और ये तकरीबन हम 1100 किलोमीटर चल के हम यहाँ आज लाहौर पहुँचे हैं, जहाँ पर हमारे दोस्तों ने माशाल्लाह बहुत जो है ना हमें वेलकम किया। इसका मतलब ये है कि हमारे पाकिस्तान में जितने भाई हैं यकीनन सब जो है ना अमन चाहते हैं। हमारा इस वॉक का मकसद, इतना लंबा पैदल चलने का मकसद, हमारे अपने जो आवाम है उनको अमन का पैगाम देना है। अमन की बस यही है, एक सोचा कि नौजवान के अंदर ना एक जज्बा आ जाए, बस हमने यही सोचा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करें हम लोग, तो लोगों का मतवाजा हो उस चीज़ पे। अभी अगर आप देखें कि मुख्तलिफ इलाकों में जब वहाँ के और दूसरे से मसाइल से लोगों के अंदर एक खौफ है इस वक्त, तो हमने बोले एक हिंदी चीज़ें ये खेल मतलब एक स्पोर्ट्स के टाइप पर ना अगर हम एक ऐसी इवेंट को कर लें तो नौजवानों के अंदर जोश भी आएगा और अमन के खातिर हर एक पाकिस्तानी उठेगा और अमन के खातिर एक काम करेगा। और जो ये मीनार पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है, एक जिंदा मिसाल के अमन खातिर ये पाकिस्तान बना, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे और वही एक मतलब एक जज्बा रखेंगे कि अमन जो है ना पूरी पाकिस्तान और पूरे कौम की ज़रूरत है। कि आज जब हमने सुना कि जहाज और असर जो है इतना तवील जो है वो सफ़र करके आए, इतना लॉन्ग डिस्टेंस का वर्क करके आ गए, तो गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, जितने भी प्रोफेशनल हैं, आज सब यहाँ जमा हो गए इस खुशी में कि हम उनको वेलकम कर दें। वो एक पीस का एक जो है पैगाम लेकर आए हैं और क्योंकि गिलगित और बल्तिस्तान जो कि इस वक्त जो एक प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी भी उनको जो दी गई है, ये उसका भी एक मैं कहूँगा एक खुशी का मौका भी था कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान से लड़के यहाँ जमा हो गए और एक यूनिटी का भी एक साइन है कि लोग कितना यूनाइटेड है और अपने जो आप उनके खातिर जितने मोहब्बत रखते हैं अपने पाकिस्तान से। और अभी जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से इनका वास्ता है, तो ये आए यहाँ पे, इन्होंने वेलकम की और ये बहुत खुश हैं क्योंकि ये पैगाम लेकर आए हैं और कराची तक जिस इलाके से ये गुजरे गए और जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के लड़के जहाँ भी हैं वो उनको वेलकम करते रहेंगे। हम ये बता देना